फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम ब्लॉग पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं ऋषभ के घर के पास हूँ, ये व्यू। और इधर देखिए ऋषभ सामने, थोड़ा सा धूप है काफ़ी ज़्यादा। ये रहा ऋषभ भाई। सो भाई आज काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और पता नहीं कारण क्या हो सकता। क्या है भाई, आज एक नया लेटेस्ट मोबाइल लेने वाले हैं जिससे ब्लॉगिंग मेरा। तो भाई का पेमेंट्स आ चुका है यूट्यूब का और काफ़ी भाई खुश है आज। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने अभी कुछ दिन पहले बाइक खरीदा था साइन एस की। तो भाई भी बोल रहा है भाई मुझे कुछ करना है, तो बोले भाई तुम्हारे लिए जो कमी है वो सबसे पहले पूरा करो। तो भाई के लिए एक अच्छा सा फ़ोन मतलब लेने वाले हैं। अब कौन सा फ़ोन है वो तो यहाँ नहीं पता चलेगा आप लोगों को। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग केस का, आप लोग का दर्शन करवाते हैं कितना माल निकालना है हम लोग को, और फिर वो ले कर हम लोग चलेंगे पटना, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद फ़ोन जो लेंगे वो आप लोग को देख के बता देना कि भाई फ़ोन कैसा हम लोग लिए हैं। सो कमेंट सेक्शन पर वो आप लोग बताना कौन कौन वीडियो पर कंटिन्यू बने हुए हमारे साथ है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्या भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग देख सकते हैं बैंक पहुँच चुके हैं SBI का, और ये है कर्पूरी ग्राम ऋषभ का SBI बैंक। यहाँ पर से हम लोग माल निकालते हैं फटाफट और फिर चलेंगे पटना। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी फ़िलहाल बैंक जैसे कि ग्राहक के लिए आज मतलब कोई ये नहीं रहता, तो भाई आज का जो कि यहाँ पर कैश जो निकालना शायद नहीं निकाल पाएगा। क्या हुआ, सिंगल ब्रांच का कुछ झोल है वो वहाँ पे कैश आज बुधवार को बैंक बंद रहता है, मतलब ग्राहक के लिए बंद रहता है, बैंक खुला रहता है और स्टाफ के लिए खुला रहता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना भाई, SBI का कुछ ऐसा नियम है कि ग्राहक मतलब काम अपना नहीं कर सकता, स्टाफ लोग के लिए सिर्फ खुला रहता बुधवार को, और महीना का कौन सा फास्ट बुधवार है कैसा हो आप लोग कमेंट्स करके बताना। सो चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग। क्या करेंगे अब उपाय इसका, ATM से निकालेंगे कैश। चलिए, तो ATM कहाँ चला निकलता है, तो दो तीन ATM से निकाल के कैश खुला लेंगे। चलिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बैंक में, तो कुछ काम हुआ नहीं अब पटना के लिए। तो भाई देख सकते हैं इधर है, और अभी दो तीन घंटा जितना भी लगेगा समस्तीपुर से जा रहे हैं हम लोग पटना बाइक में। देख सकते हैं हेलमेट डबल ले लिए, अभी पहन लूँगा मैं तुरंत। और वहाँ जाने के बाद अभी सारा चीज़ हम लोग कैश ATM से निकालने वाले हैं, कुछ ये निकालेगा कुछ मैं निकालूंगा, क्योंकि भाई काम हुआ नहीं बैंक में वहाँ पर, पता नहीं किस कारण से बंद था। तो चलिए ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी मजा आने वाला है। क्या फाइनली हम पहुंच चुके हैं पटना, और ये सहमति निवास, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फ्रेश व्रेश हो लिए। और ऋषभ ATM ये देख सकते हैं SBI का ATM है, वहाँ पर अभी कुछ पैसा निकाले उसके बाद फिर हम लोग ब्लॉग का कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिलहाल चलते फटाफट ATM के पास। हम लोग कहाँ से निकल चुका है, ऋषभ गिन के बताएगा कितना फटाफट गिनो तो भाई कितना ज्यादा केस दिखाते हैं। मेरा तो निकल चुका है भाई, क्या करोगे लेकिन। चलिए दिखाते हैं आपको कितना केस है, फटाफट जल्दी गिनो, तो थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है। इधर आ जाओ। हाँ, आज देखिए ठीक है ना। हाँ ठीक है, बस बस हो गया लग रहा है। थक गया भाई, बहुत है भाई, ये पूरा अकाउंट खाली हो गया टोटल। ये मतलब कुछ मतलब 10-10 करके हम लोग निकाले ATM से, और ये टोटल हो गया 60 है 500 का, समझ सकते हैं आप लोग, कैलकुलेट कर लेना कितना है, ठीक ना। और यहाँ से अभी डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पर जाना, वन प्लस का जो आउटलेट है वही दुकान है, वन प्लस का वही है, वहीं जा रहे हैं। तो चलिए फिर कंटिन्यू यहाँ से करते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, हैप्पी वाला फील हो रहा है कि भाई का पेमेंट आया और भाई डायरेक्ट बोले क्या करना है कुछ, तो मैंने बताया भाई यही करो सही रहेगा, अच्छा क्वालिटी देखो ऑडियंस को पसंद आएगा, तो वीडियो को अच्छा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर, ऋषभ सिंह ब्लॉग्स को एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिए। चलिए थैंक यू, चलते हैं आगे दुकान में डायरेक्ट। ओके, हम लोग निकल चुके हैं फ़ोन लेने के लिए, जा रहे हैं फ़ोन का शोरूम, और ये है पटना का कुछ दिन आप लोग देख ही सकते हैं, अभी पटना में हैं हम लोग।
और जा रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहा है कि भाई फर्स्ट पेमेंट से ही वन प्लस वाई ले रहा है। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये रहा शोरूम फोन का, ये देखिए ये है शोरूम। तो चलिए फटाफट इसके अंदर चलते हैं शोरूम का और देखते हैं भाई क्या क्या प्रोसेस करने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग को डायरेक्ट स्टोर। अभी हम लोग शोरूम के अंदर में वन प्लस का देख सकते हैं भाई अभी बात कर रहा हूँ, और कौन सा सेट है, ये कुछ शोरूम का भी हो। ये देखो भाई भी अपना ब्लॉग शूट करो, तो भाई फटाफट अभी फ़ोन के बारे में फीचर्स जानकारी ले रहा है, तो आप लोग ये फास्ट करके दिखाते हैं, फिर फटाफट कुछ प्रोसेस होगा तो वही आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। डिस्प्ले साइज भी अलग अलग है ना, उसका जो डिस्प्ले साइज है नॉट सीरीज का वो 6.43 इंच का डिस्प्ले साइज है, बट इसका जो डिस्प्ले साइज है 6.55 इंच का डिस्प्ले साइज है। डिस्प्ले में अगर दूसरी बात करते हैं हम हर्ट्ज की, तो वो हमारा वो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे काम करता है, ये हमारा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे काम करता है। सब हमारा फोन का अनबॉक्सिंग हो रहा है, देख सकते हैं ये अनबॉक्सिंग हो रहा है। देखिए आप लोग फोन ब्लू कलर है, ब्लू कलर ठीक है, फोन एमसू के डिमांड पे और बाबुल ये रहा फोन। वाव यही है भाई 40,000 रुपये का इसी में फंसा दिया भाई 40,000 रुपये। चलिए काफ़ी स्मूथनेस लग रहा है ना छूने में, चलो सर चलिए ठीक है। इसके साथ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली हम लोग का फोन लेना हो गया है, और भाई काफ़ी ज़्यादा है दिए भाई, एक बार फ़ोन तो दिखा दो लास्ट टाइम सभी को। तो ये देखिए हम लोग पटना का ये शोरूम सब लोग वन प्लस ले चुके हैं, और भाई कैसा लग रहा है बताओ आज? फीलिंग गुड, बात गुड ना एकदम वाला एकदम चकाचक काटा कर। आप भाई का भी क्वालिटी एकदम एक नंबर आने वाला, फार देखे फार गर्दा मची गर्दा। तो और एक बार फ़ोन को दिखाओ भाई, वाह अब न्यू फोन से वीडियो भाई का शूट होगा, रील्स भी आएगा। तो चलिए ब्लॉग कहीं पर एंडिंग करते हैं, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, और कौन कौन भाई पटना से वो भी बताना, और यहाँ से जो जो फोन खरीदें वो भी बताना, कौन सा जगह पर है? बोरिंग कनाल रोड, बोरिंग कनाल रोड, कनाल रोड में। तो चलिए यहाँ पर ब्लॉग पर क्या करना है भाई? एंड करना है, और मिलेंगे फिर एक नया ब्लॉग नया कुछ लेके आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा के एकदम 100 के भाई का पहुँचाओ यार, ये पकड़ पकड़ो भाई, बाइक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सभी को एक बार बाय बाय।